हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सी ए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर अंडर ऑडिट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि जब ऑडिटर ट्रेड रिसीवेबल का ऑडिट करेगा उसमें डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर को अप्लाई करता है। तो क्या होता है डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। द ऑडिटर एम्प्लॉयज डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर विद द कंसेंट ऑफ द एंटिटी अंडर ऑडिट, मतलब जिस एंटिटी का ऑडिटर ऑडिट कर रहा है उस एंटिटी की कंसेंट से, उनकी मंजूरी से ऑडिटर इस प्रोसीजर को अप्लाई करता है। इफ़ मैनेजमेंट डज नॉट अलाउ द ऑडिटर टू सीक इन्फॉर्मेशन, और अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन कंटेन करने से, इन्फॉर्मेशन सीक करने से, इन्फॉर्मेशन लेने से रोकता है, मना करता है, क्योंकि ऑडिटर कंसेंट लेता है तो मैनेजमेंट हाँ भी कर सकता है और ना भी। अब अगर मैनेजमेंट मना करता है ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन लेने से, कन्फर्मेशन लेने से फ्रॉम सर्टेन ट्रेड रिसीवेबल, जिन ट्रेड रिसीवेबल से ऑडिटर कंसेंट लेना चाहता है, डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेना चाहता है, अगर मैनेजमेंट उनसे कन्फर्मेशन लेने से मना कर देता है, द ऑडिटर शुड कंसीडर वेदर देयर आर वैलिड ग्राउंड फॉर सच अ रिक्वेस्ट। तो ऑडिटर सबसे पहले तो ये कंसीडर करेगा कि क्या मैनेजमेंट के पास मतलब सुइटेबल रीजंस हैं कि वो क्यों मना कर रहा है। अगर मैनेजमेंट के पास ऐसे कोई सूटेबल रीजंस होते हैं मना करने के ऑडिटर को कि आप इस वजह से कन्फर्मेशन नहीं ले सकते हैं, तो ऑडिटर मान जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट के पास ऐसे सूटेबल रीजंस नहीं होते हैं तो ऑडिटर क्या करेगा, वाइल डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन, डिटरमाइन करने में कि क्या इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है, द ऑडिटर शुड कंसीडर ऑल रेलिवेंट फैक्टर्स सच एज इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर को इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, सच एज किन किन फैक्टर्स को, इफेक्टिवनेस इंटरनल कंट्रोल की, कि इंटरनल कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, कितना दमदार इंटरनल कंट्रोल है एंटिटी का, द अपरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्प्यूट, क्या पॉसिबिलिटी है डिस्प्यूट होने की, यानी कि कोई भी धोखाधड़ी की, किसी भी फ्रॉड की क्या पॉसिबिलिटी है, कितना फ्रॉड किया जा सकता है, इनएक्यूरेसी की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि इनएक्यूरेट हो सकती है या नहीं हो सकती है इन्फॉर्मेशन, और इररेगुलरिटीज़ इन द अकाउंट, और अकाउंट में जो भी इररेगुलरिटीज़ हैं उनकी क्या पॉसिबिलिटी है। इररेगुलरिटी मतलब कि जैसे कि कोई हमारा ट्रेड रिसीवेबल है तो उसके अकाउंट में बहुत लंबे समय से कोई अमाउंट ड्यू चल रही है, उसको ना तो रिकवर किया गया, ना ही उसके अगेंस्ट में कोई प्रोविज़न बनाया गया, और अगर प्रोविज़न बनाया भी गया तो बहुत लंबे समय से कोई प्रोविज़न चलता चला आ रहा है, तो ये हो गई इररेगुलरिटी, यानी कि रेगुलरली पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है किसी भी अकाउंट के रिलेशन में। एंड द मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, और जो अमाउंट इन्वॉल्व है यानी कि जितने अमाउंट का वो ट्रेड रिसीवेबल है उसकी मटेरियलिटी, यानी कि ऐसा ना हो कि किसी अकाउंट में बहुत लंबे समय से 2 करोड़ रुपए का ड्यू चलता ही चला आ रहा है, और वो हमें पता है कि वो कस्टमर इतना ज़्यादा मतलब उसका स्कोप ऑफ बिजनेस इतना नहीं है कि उसके अगेंस्ट में इतना अमाउंट हम अपने अकाउंट में पड़ा रहने दें, तो वो हो गया मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट, यानी कि अमाउंट कितना मटेरियल है, कितना बड़ा अमाउंट है जो कि इन्वॉल्व है इस इररेगुलरिटी में। तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनका ऑडिटर को ध्यान रखना चाहिए, इंटरनल कंट्रोल कैसा है, डिस्प्यूट हो सकता है या नहीं हो सकता, कोई इररेगुलरिटी हो सकती है या नहीं, कोई इनएक्यूरेसी हो सकती है या नहीं, या फिर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो कितना मटेरियल है, कितना बड़ा, कितना सिग्निफिकेंट अमाउंट है। द ट्रेड रिसीवेबल मे बी रिक्वेस्टेड टू कन्फर्म द बैलेंसेज, इधर जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, जो हमारे डेटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है कि वो अपने बैलेंसेज को कन्फर्म करें, इधर मतलब या तो एज एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, या तो बैलेंस शीट डेट पर अपने बैलेंसेस को कन्फर्म करें कि भाई जो बैलेंसेस हमारे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहे हैं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो हमारे कस्टमर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें भी उतने ही बैलेंसेस दिए हुए हैं, या फिर कुछ मतलब उसमें कुछ ऐसा ना हो कि ओवर स्टेटेड अमाउंट हो या अंडर स्टेटेड अमाउंट हो। एज एट एनी अदर सिलेक्टेड डेट, या फिर किसी और डेट पर आप उन बैलेंसेस को मांग सकते हैं कि इस डेट पर हमें बैलेंस कन्फर्म करके दीजिए कि इस डेट पर जो एंटिटी के बैलेंसेज हैं आपके बैलेंसेज भी उतने हैं या नहीं हैं, विच इज़ रीजनेबली क्लोज टू द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि बैलेंस शीट डेट के आसपास होनी चाहिए। यानी कि अगर हमारा ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है तो 31 मार्च के आसपास की कोई डेट हम अपने कस्टमर को, अपने ट्रेड रिसीवेबल को दे सकते हैं कि उस डेट पर हमें बैलेंसेज कन्फर्म करके दीजिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वेयर द ऑडिटर डिसाइड टू कन्फर्म द ट्रेड रिसीवेबल, जब ऑडिटर डिसाइड कर लेता है कि उसे ट्रेड रिसीवेबल को डायरेक्टली कन्फर्म करना है एट अ डेट, किसी एक पार्टिकुलर डेट पर, किसी निश्चित तारीख पर, अदर देन द बैलेंस शीट डेट, जो कि बैलेंस शीट डेट से अलग है, मतलब कि बैलेंस शीट डेट अगर हमारी 31 मार्च है तो फिर बैलेंस शीट डेट यानी 31 मार्च के आगे के कुछ दिन हो सकते हैं, या फिर उसके पहले कोई दिन हो सकता है जिस पर हम ये कन्फर्मेशन मांगेंगे।
ही शुड एग्जामिन द मूवमेंट इन डेटर, तो ऑडिटर जो डेटर्स का मूवमेंट हुआ होगा उनको एग्जामिन करेगा। मतलब कि जैसे हमारी जो बैलेंस शीट डेट है फॉर एग्जाम्पल वो 31 मार्च है, ठीक है, और जो हमने कन्फर्मेशन मांगा है वो हमने मांगा है फॉर सपोज 4 अप्रैल को, या फिर 8 अप्रैल को हमने कन्फर्मेशन मांगा है अपने जो डेटर्स हैं उनसे, तो फिर 31 मार्च से लेकर के 8 अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, जो भी मूवमेंट हुआ होगा डेटर्स में, क्योंकि डेटर्स कम भी हो सकते हैं बढ़ भी सकते हैं, तो जो भी मूवमेंट हुआ होगा उन डेटर्स में बैलेंसेस को लेकर, उन डेटर्स के बैलेंस में विच अकर बिटवीन द कन्फर्मेशन डेट, जो हमारी कन्फर्मेशन डेट है यानी कि 8 अप्रैल, एंड बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट है यानी कि 31 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक जो भी मूवमेंट हुआ है डेटर के बैलेंसेज में, एंड ऑब्टेन सफिशियंट एविडेंस टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, और ऑडिटर सफिशियंट एविडेंस जो वाउचर्स हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो एंट्रीज हैं उनको ऑब्टेन करेगा टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, डेट डेटर बैलेंसेज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट आर नॉट मटेरियली मिसस्टेटेड, ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो भी डेटर का बैलेंस शीट बैलेंस हमें बैलेंस शीट में दे रखा है वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है, यानी कि उसमें कोई भी फ्रॉड नहीं है, कोई मिस अप्रोप्रिएशन नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मतलब इस पॉइंट में बेसिकली सिर्फ इतना सा क्रक्स है इस पॉइंट का कि जो हमारी कन्फर्मेशन की डेट है अगर वो बैलेंस शीट डेट से अलग है तो हमें जो भी उसके बीच में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो भी डेटर के बैलेंसेज में मूवमेंट हुआ है, चाहे डेटर कम हुए हों या बड़े हों, उन जो बैलेंसेज हैं उनको ऑडिटर चेक करेगा विद सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उनके वाउचर्स को लेके उनके एंट्रीज को चेक कर सकता है, ये खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो बैलेंस है हमारे बैलेंस शीट में वो मटेरियली मिसस्टेटेड नहीं है। द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल मे बी ईदर, जो फॉर्म है यानी कि जिस तरीके से हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं डायरेक्ट कन्फर्मेशन के लिए अपने डेटर्स को, वो जो तरीका है वो पॉजिटिव फॉर्म भी हो सकती है रिक्वेस्ट की, यानी कि हम जो मतलब जो हमारे डेटर्स हैं उनको डायरेक्टली हम कन्फर्म करें, या फिर नेगेटिव फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट भी हो सकती है यानी कि हम उनसे इनडायरेक्टली कन्फर्म करें। वेदर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट इज़ यूज, वेयर पॉजिटिव फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट इज़ यूज, जहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म यूज़ करी गई है रिक्वेस्ट करने के लिए, द ऑडिटर मे, तो जो ऑडिटर है इन अप्रोप्रिएट केसेस, जो अप्रोप्रिएट केसेस हैं, जो नॉर्मल केस है, रिक्वेस्ट द एंटिटी टू फॉलो अप विद द रिमाइंडर टू दोज ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम हुज ही रिसीव नो रिप्लाइज, तो ऑडिटर जो एंटिटी है उससे ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि एंटिटी रिमाइंडर भेजे, यानी कि उन्हें दोबारा से याद कराए उन जो ट्रेड रिसीवेबल हैं जिनसे कि ऑडिटर को कोई रिप्लाई नहीं मिला है। मतलब ऑडिटर ने पॉजिटिव फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट चूज़ करी जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनको रिक्वेस्ट भेजने के लिए। अब कुछ ट्रेड रिसीवेबल ऐसे हैं जिन्होंने अपने बैलेंसेस कन्फर्म करा दिए पर कुछ ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया है अब ऑडिटर एंटिटी को ये रिक्वेस्ट करेगा कि जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया उनको एक रिमाइंडर सेंड किया जाए। उसके बाद है अगर ऑडिटर इन एनी डिस्क्रिपेंसी रिवील्ड बाय द कन्फर्मेशन रिसीव्ड, अगर जो हमने कन्फर्मेशन रिसीव करी है अपने डेटर से उसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी रिवील होती है, यानी कि कुछ भी उसमें हमें फ्रॉड लगता है, कोई मिसअप्रोप्रिएशन लगता है, कोई भी गड़बड़ लगती है ऑडिटर को, और बाय द एडिशनल टेस्ट कैरी आउट बाय द ऑडिटर, या फिर जो एडिशनल टेस्ट लगाए गए हैं ऑडिटर के द्वारा उसमें अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी लगती है ऑडिटर को, मे हैव अ बियरिंग ऑन द अदर अकाउंट नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल सैंपल, तो ऑडिटर उस चीज़ को फिर ये मानेगा कि जो अकाउंट उनने सैंपल में नहीं लिए हैं। मतलब कि जरूरी नहीं है अगर एंटिटी के पास में 2000 डेटर हैं, 3000 डेटर हैं, तो सबको ऑडिटर कन्फर्मेशन सेंड करें, कुछ डेटर्स को ऑडिटर एज अ सैंपल सिलेक्ट करता है जिनको वो कन्फर्मेशन सेंड करेगा, तो फिर अगर उसमें ऑडिटर को कोई भी गड़बड़ लगती है तो ऑडिटर ये मानेगा कि जो बाकी के अकाउंट हैं जो कि सैंपल में सिलेक्ट नहीं किए गए उनमें भी वो गड़बड़ है, वो डिस्क्रिपेंसी हो सकती है। द एंटिटी शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकनसाइल द डिस्क्रिपेंसीज, तो ऑडिटर एंटिटी से कहेगा कि उस डिस्क्रिपेंसी को आप रिकनसाइल करिए, उसको चेक करिए कि क्यों ऐसी गड़बड़ है, क्यों ये फ्रॉड हमें मिला है, या फिर इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या इसके पीछे रीजंस हैं। इन एडिशन द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर वॉट फर्दर टेस्ट ही कैन कैरी आउट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज द करेक्टनेस ऑफ द अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल टेकन एज अ होल, जो उनने ट्रेड रिसीवेबल का अमाउंट लिया है उसके रिगार्डिंग में ऑडिटर ये अब डिसाइड करेगा कि क्या वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है, कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर वो और अप्लाई कर सकता है खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कि जो ट्रेड रिसीवेबल का टोटल बैलेंस है वो मिस अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये कुछ थे डायरेक्ट कन्फर्मेशन प्रोसीजर जो कि ऑडिटर डायरेक्टली ट्रेड रिसीवेबल से पैसे फॉर्म में या फिर एक्टिव फॉर्म में अप्लाई कर सकता है, और अगर कोई रिप्लाई नहीं मिलता है तो ऑडिटर एंटिटी से कहेगा कि आप एक रिमाइंडर सेंड करिए,
और अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी रिवील होती है तो ऑडिटर एंटिटी से इन्वेस्टिगेट करने को, रिकनसाइल करने को उस डिस्क्रिपेंसी को कहेगा कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए या फिर रिकनसाइल करिए, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या क्या वो लगा सकता है इस बारे में डिसाइड करेगा, ये चेक करने के लिए कि जो ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस हमने लिया है वो मिस अप्रोप्रिएटेड नहीं है। उसके बाद में है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। ऑडिटर मे ऑल्सो परफॉर्म बिलो मैंशन एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर एज अ मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द वेरियस असर्शंस रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल। यानी कि ऑडिटर मे ऑल्सो परफॉर्म, ये भी परफॉर्म कर सकता है बिलो मैंशन एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर, जो कि नीचे ये रिव्यू प्रोसीजर दिए गए हैं इनको भी अप्लाई कर सकता है ऑडिटर एज अ मीन्स एक तरीके से ऑफ ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए रिगार्डिंग द वेरियस असर्शन, जो भी वेरियस असर्शंस हमने ली हैं उसके रिलेशन में, रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के केस में जो वेरियस असर्शंस हमने ली हैं उनको कंफर्म करने के लिए ऑडिटर इन एनालिटिकल प्रोसीजर्स को भी अप्लाई कर सकता है। क्या क्या एनालिटिकल प्रोसीजर्स हैं डिस्कस करते हैं। कंपैरिजन ऑफ क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जो क्लोजिंग बैलेंसेज हैं ट्रेड रिसीवेबल के उनको कंपेयर करेगा, लोन्स एंड एडवांसेस के जो भी बैलेंसेज हैं उनको कंपेयर करेगा विद द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो हमारे प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं उनसे कंफर्म करेगा ऑडिटर जो इस ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेज हैं उनको। कंपैरिजन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन करंट ईयर डेटर बैलेंस, जो करंट ईयर का जो इस साल का जो पीरियड हमारा ऑडिट का है उस साल के जो डेटर्स हैं उनके बैलेंस को ऑडिटर कन्फर्म करेगा, उनको मैचअप करेगा विद द करंट ईयर सेल, जो करंट ईयर की सेल हुई है उससे, विद द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर की करस्पॉन्डिंग फिगर है यानी कि प्रीवियस ईयर के जो डेटर्स की फिगर है और जो सेल्स की फिगर है उसको चेक करेगा करंट ईयर की डेटर्स की फिगर से और सेल की फिगर से। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, जो एक्चुअल क्लोजिंग बैलेंस है ट्रेड रिसीवेबल का उसको कंपेयर करेगा, जो लोन्स एंड एडवांसेस का बैलेंस है उसको कंपेयर करेगा, जो बजटेड फिगर है यानी कि जो हमने एंटिसिपेट कर रखी थी फिगर उनसे, यानी कि जो पिछले साल के रियल एक्चुअल डाटा है उससे कंपेयर करेगा रिसीवेबल्स की फिगर को और सेल की फिगर को। उसके बाद में जो हमने एंटिसिपेट कर रखा था उससे भी कंपेयर करेगा रिसीवेबल की फिगर को और लोन्स एंड एडवांसेस की फिगर को। कंपैरिजन ऑफ करंट ईयर्स एजिंग शेड्यूल, जो भी करंट ईयर का शेड्यूल है रिलेटेड टू ट्रेड रिसीवेबल्स विद द करस्पॉन्डिंग फिगर ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले ईयर की शेड्यूल होगी उससे कंपेयर करेगा। कंपैरिजन ऑफ सिग्निफिकेंट रेशोज, जो भी इसके रिलेशन में ट्रेड रिसीवेबल के रिलेशन में डेटर्स रेशो होते हैं उनको या फिर जो लोन्स एंड एडवांसेज हैं उनको सिमिलर रेशोज ऑफ द अदर फर्म इन द सेम इंडस्ट्री, उसी इंडस्ट्री में यानी कि जिस इंडस्ट्री में हम वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारी अगर क्लोथ इंडस्ट्री है या फिर हमारी मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी चीज़ की, मान लो कार इंडस्ट्री है, तो कार इंडस्ट्री में जो सिमिलर इंडस्ट्रीज हैं यानी कि और दूसरी जो कार इंडस्ट्रीज हैं उनके जो रेशोज़ हैं उनसे ऑडिटर हमारे रेशोज़ को कंपेयर करेगा कि कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस ना हो, मेजर जो है वो मेजर डिफरेंस ना हो उन रेशोज़ में, जो हमारी इंडस्ट्री का एक नॉर्मल आइडल रेशो है उससे हमारे रेशोज़ मैच करने चाहिए। कंपैरिजन ऑफ सिग्निफिकेंट रेशोज़ रिलेटिंग टू ट्रेड रिसीवेबल लोन्स एंड एडवांसेस विद द इंडस्ट्री नॉर्म्स, जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं, जो अगर हमारी पार्टिकुलर इंडस्ट्री किसी पार्टिकुलर नॉर्म को फॉलो करती है, किसी पार्टिकुलर नॉर्म के अंडर में आती है, तो उसके जो रेशोज़ हैं उससे भी मैचअप करेगा वो उन रेशोज़ को। तो ये था हमारा एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें हम बेसिकली जो हमारे प्रीवियस ईयर के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे कंपेयर करते हैं करंट ईयर के डाटा को, या फिर जो हमारी बजटेड फिगर्स होती हैं उससे कंपेयर करते हैं करंट ईयर के डाटा को, या फिर जो हमारी रेलिवेंट इंडस्ट्री होती है, सेम इंडस्ट्री होती है उसके रेशो से कंपेयर करते हैं, और जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स होते हैं जिससे हमारी इंडस्ट्री गवर्न होती है उससे कंपेयर करते हैं। तो ये बेसिकली तीन चार बातें हैं इसमें जो कि हमारे एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर में आती हैं। After that, disclose a requirement as per Schedule 3. This we will discuss in the next video.